आरोप। यहाँ भी चल रही है ग्राम प्रधान की दबंगई। जी हाँ, वाराणसी में चौईपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत तरिया गांव यादव बस्ती में ग्राम प्रधान द्वारा बस्ती में 300 घर हैं जिनमें 10 घरों में शौचालय बनाया गया है और यहाँ भी ग्राम प्रधान की मनमानी चल रही है जिससे जनता परेशान है। वाराणसी से हमारे संवाददाता सोनू यादव की ये रिपोर्ट। वजह से जो तरिया गांव में कोई व्यवस्था नहीं की है। कितना बार आए हैं? अरे एक भी दिन जो साल के अंतर्गत में कोई मतलब झांकने यहां पर नहीं आए हैं। मतलब गांव के अंतर्गत क्या विकास करना है क्या नहीं करना है उसका कोई ख्याल नहीं है। यदि अगर आप उनके घर पे इस समय भी जाओगे तो नहीं मिलेंगे। हाँ, उनका कहाँ ठिकाना है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उससे कोई वास्ता नहीं है। सीधा बोलते हैं कि नहीं हमको वोट नहीं दिए हैं। वो बोलते हैं कि वोट हमको नहीं दिए हैं। तरिया गांव से बात करते हैं, हम लोग बहना बन के घर पर चले आते हैं। हम लोग को कोई मतलब सुनवाई नहीं है। वाराणसी में मिर्जा मुराद थाना अंतर्गत कौन बनेगा पीएम? ग्राम प्रधान डॉक्टर तथा जनता ने रखे अपने विचार। जनता का विचार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे क्योंकि पार्टियों के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हो सके। वाराणसी से हमारे संवाददाता बड़े लाल शुक्ला की ये रिपोर्ट। नाम कृष्ण प्रधान जी, इस सत्र में 2019 के चुनाव में कौन बनेगा पीएम? हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। मोदी जी ही क्यों बनेंगे? तो जनता के का विकास किए हैं। जनता का विकास किए हैं। दिल्ली से पानी से लेकर गैस सिलेंडर, जिस घर में उजाला नहीं हुआ उस घर में उजाला हुआ है। बिजली पहुंची है, गैस सिलेंडर मिला है, सड़क रास्ता पैड़ा सब दुरुस्त हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री आवाज घर में पहुँचाया है। क्या नहीं दिया? देश विदेश में बहुत कुछ दिया है। अच्छा अच्छा, इसलिए देश का प्रधानमंत्री योग्य नरेंद्र मोदी जी है। कुशल योग्य दोनों तरह से हैं मोदी जी। मोदी जी इनके अलावा कोई प्रधानमंत्री इनके योग्य है जी। धन्यवाद। आप बताइए, नाम बताइए अपना। जोगिंदर सिंह। जोगिंदर सिंह जी, ये बताइए कौन बनेगा पीएम इस? नरेंद्र मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। मोदी जी ही बनेंगे? हाँ, मोदी जी ही बनेंगे, और कोई नहीं बन सकता। कोई है ये नहीं है उनके जैसा, कोई टक्कर नहीं नहीं है, बहुत दूर तक नहीं है कोई। इस समय जो जितने हैं सब चोर हैं और राहुल तो सबसे बड़ा चोर है। तो इसके लिए मोदी ही प्रधानमंत्री बनेगी। मोदी के सिवा कोई नहीं बन सकता। मोदी के सिवा कोई है नहीं। जी, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। बताइए अपना। दशरथ कुमार पटेल, ग्राम क्षेत्र सेनपुर। दशरथ जी, कौन बनेगा पीएम ये? देखिए, इस समय तो हमारे जो है इस समय नरेंद्र मोदी जी जो इस समय जो कार्य किए हैं, सड़क से लेकर के हॉस्पिटल से लेकर के सारी सुविधाएं सबको मिली है। इस वजह से हम लोगों का सभी पूरा सपोर्ट है। हम लोग तो पूरे ग्राम सभा क्षेत्र से कुछ सभी लोग जो भी वोट डालेंगे नरेंद्र मोदी को ही डालेंगे क्योंकि उनका हर एक विचार, हर एक चीज, कोई भी चीज़ उनका जो है डिसीजन लिया उसका कोई भी गलत नहीं है। जो सोचे हैं हम लोगों के लिए, भलाई के लिए सोच रहे हैं वो जी। हमें जो है सब कुछ देखते हुए हम जो है नरेंद्र मोदी को ही अपना वोट डालेंगे। चलिए, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। कौन बनेगा पीएम? नरेंद्र मोदी, और कोई नहीं बनेगा। क्यों मोदी जी बनेंगे पीएम? मोदी जी ईमानदार है, बाकी सब चोर है। ईमानदार मोदी जी ईमानदार हैं, सब चोर हैं, बाकी सब चोर हैं, सब भ्रष्ट है। चलिए भाई, ईमानदार है नरेंद्र मोदी। चलिए, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। जौनपुर के जलालपुर विकास खराड़ के सुदूर ग्रामपुर गांव में एक विशाल राम कथा के आयोजन में बोलते हुए मानस मर्मज्ञ पंडित प्रकाश चंद्र विद्यार्थी ने बाबा शिव पार्वती विवाह और बारात का बहुत ही मार्मिक वर्णन श्री रामचरितमानस के चौपाइयों के सार गर्भित भावार्थ के साथ दर्शकों को बांटते हुए रखा। आभार द आदरणीय बाबू वंश गोपाल सिंह ने व्यक्त किया। जौनपुर से हमारे संवाददाता विनय गुप्ता की ये रिपोर्ट। तमाम लोग जो विदेश आए हैं वो लोग हैं, सब लोगों से निवेदन है आपको बारी बारी आकर के जरा जल्दी जल्दी आइएगा, आरती कर लीजिएगा, सब लोग आरती करें, फिर आपको प्रसाद प्राप्त होगा, अपने अपने स्थान से प्रस्थान करें। बढ़िया, परिचय। मैं प्रकाश सिंह पांडे विद्यार्थी जी। कब से कथा कर रहे हैं सर? कथा हम कर रहे हैं सन 1996 से जी। सर, तो कौन कौन शास्त्र जानते हैं? शास्त्र अनंत है, हर अनंत, हर कथा अनंता, उसका और छोर तो है नहीं जी। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता पर, श्री रामचरितमानस पर, श्रीमद् भागवत पर जी, इन ग्रंथों पर अब मेरे प्रवचन हो रहे हैं आजकल भगवान की कृपा से, तो समाज के कल्याण के लिए।
आज क्या कर रहे थे गुरु जी? आज हाँ, मैंने शिव चरित्र सुनाया, रामचरित मानस के आधार पर जी शिव पार्वती विवाह का मुख्य रूप से प्रसंग मैंने प्रस्तुत किया है। बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे ये साहब अध्यापक भी हैं सर, आपका परिचय? वंश गोपाल से। आज कथा, आज राम कथा सुन रहे थे? नहीं, शिव विवाह था। अच्छा। शिवरात्रि की वजह से मैंने शिव विवाह ही सबका ध्यान केंद्रित किया। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए यहाँ पे अभी राम कथा चल रहा था, शिव विवाह, तो मैं विनय गुप्ता अकेला आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बांदा जिले के कमासीन थाना के पछाहा गांव के सचिन विश्वकर्मा ने कहा कि स्कूल भाग एक में मिड डे मील समय से नहीं बनता और सूखा राशन बचने पर अध्यापक द्वारा बेचा जाता है। खाना बनाने वाली को डांट दिया जाता है और शिक्षा मित्रों को धमकी देते हुए कहा जाता है कि तुम्हारी आवाज खुली तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। बांदा से हमारे संवाददाता शिव प्रकाश की ये रिपोर्ट। जी आप ये बताएं कि आपके विद्यालय में क्या समस्या है? अब समस्या चल के देख लीजिए सर, वहाँ डिस्टेम्पर है, कहीं कहीं डिस्टेम्पर पोता गया है, कहीं चूना पोता गया है। बच्चों का खाना देख लीजिए कैसा क्या हो रहा है, मास्टरों की सारी कारामाता है देख लीजिए जो सामने है आपके। अच्छा, तो स्कूल में कितने बजे स्कूल खुलता है? स्कूल का समय तो 10 बजे है, लेकिन यहाँ मास्टर बता रहे हैं 11 बजे तक आते हैं, देख सुन लीजिए मोहल्ले में। अच्छा, और खाने वाने के विषय में क्या समस्या है? अब खाना जो बच्चे अपने घर में जो खाते हैं वो खाना कहाँ मिलेगा यहाँ स्कूल में, जो रखा भी है उसको भी दूसरे को दे दिया जाता है। बाल्टी भर भर के सोल ले जाते लोग बनाने वाले। हाँ। इतना ज़्यादा बना देते हैं। अच्छा, प्रधान जो गल्ला देता है ज़्यादा दे देता है क्या? ज्यादा नहीं देता, बच्चों को थोड़ा थोड़ा देते हैं। बच्चों को थोड़ा थोड़ा दे दिया जी? बच्चों को थोड़ा थोड़ा देते हैं और सब अपने घर भर कर ले जाते हैं जो खाना बनाने वाली है। जी, अच्छा, आपका नाम जान सकते हैं? जी, मेरा नाम शिवशंकर। अच्छा, कौन से गांव के रहने वाले हैं? पछावा के। अच्छा, वहाँ थाना कौन सा है? ठीक है, यानी आपके स्कूल में जो है स्कूल की समस्या काफी है? स्कूल की बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि बच्चों को समय से खुल नहीं पा रहा, यही समस्या है। जी जी जी। तो अब बताएं आगे कितने बजे आते हैं मास्टर? कितने बजे आते हैं मास्टर? 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 11:30 बजे। प्राइमरी स्कूल में हूं। प्राइमरी स्कूल का ये समस्या चल रही है। अच्छा। वो भी आ भी जाते हैं तो बैठे रहते हैं, कोई वो थोड़ी है कि मतलब की पढ़ाते हैं। कभी 12 बजे भी आ जाते हैं, कभी स्कूल खुल जाता है 10 बजे, कोई वो नहीं रहता कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पढ़ाई होगी तभी तो बच्चे मतलब वहाँ रुकेंगे। मास्टर जैसे प्राइवेट में पढ़ाई होती है वैसे कुछ नहीं है, बस एक धर्मशाला है, स्कूल नहीं है। जौनपुर जिला के सुरेरी थाना क्षेत्र स्थित गांव रायपुर में सरकार की योजना से ग्रामीण वंचित है। महिलाओं ने प्रदर्शन में ग्राम प्रधान ममता पत्नी अरविंद उपाध्याय के खिलाफ कहा कि हमारे गांव में आवास, शौचालय, विधवा पेंशन आदि योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। सारी कार्यवाही सिर्फ कागजों पर खाना पूर्ति की जाती है। योजनाओं के पैसे से ग्राम प्रधान ने गाड़ी तक ले लिया है और भदोही में मकान बनवा लिया है, लेकिन हम ग्रामीण मड़ई में रहने के लिए मजबूर हैं। मीडिया से बात करती महिलाएं। मैं खड़ी हो राय, पकड़ मत। आपको आवास नहीं मिला? नहीं। प्रधान से आपने कहा? कहा। तो क्या कर रहे हैं? वो बोले कि अभी मिले हैं, भरे हैं और कोनो बात नहीं बाबा, जब आएगा प्रधान, अरे सरकार दे तब हम देवे कि न दे। तब सरकार तो दे रही है, तमाम जगह पर आवास, शौचालय, हर चीज मुहैया करा रही है, लेकिन यहाँ पर तो देख रहे हैं किसी का नहीं बना है। नहीं, यहाँ कोई नहीं, सुनाई कोई नहीं। तो क्या पैसे वैसे भी मांग रहा था आवास के लिए? पैसे तो मांग रहा था, बोला कि जब तू देगा तो हम देगा उन्हें से। ठीक। हमारे पास नहीं है, जब तू देगा तो हम उन्हें से देगा कुछ पैसा तुमको। ठीक, नहीं तो बोल चुकी हूँ ना। क्या नाम है आपका? आपको आवास मिला? नहीं, आवास मिला।
राशन कार्ड मिला और नल मिला, कुछ नहीं मिला। क्या कह रहे हैं प्रधान? प्रधान से आप लोगों ने अपनी समस्या कही? प्रधान से समस्या कही थे तो कहते नौबत्ता रुक जाए, सरकार तो तमाम दे रही है, आवास, शौचालय, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, हर चीज दे रही है। शौचालय आप लोगों में से किसी को नहीं मिला है? आपको? आपको भी नहीं मिला है? क्या कह रहे हैं प्रधान? प्रधान बोल रहा है कि कोई से मांगता है 20,000-30,000, फिर का सरकार दे तभी देगा। सरकार तो दे रही है, आप लोग टीवी नहीं देखते हैं? तमाम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बोलता है अपने घर से देगा, क्या करेगा? गैस वितरित हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत तमाम लोगों को आवास दिया गया, है? प्रधान अपना बनाइए कि गरीब राशन कार्ड बनाए, राशन कार्ड के लिए कितना पैसा ले रहे हैं? 1100 राशन कार्ड बना के दिए? ठीक, ये थे वीके समाचार। आए कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।